दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भिंडी की बड ड्रॉपिंग की, मतलब जो भिंडी की ऊपर जो भिंडी बनती है छोटी सी और नई बड आती है और वह इस तरीके से सूख जाती है, तो इसके पीछे क्या कारण है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं जो बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि सर ओकरा प्लांट में बड ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम के बारे में बताइए, मतलब भिंडी की जो छोटी सी कली बनती है और वह उसमें से जो फूल बनता है या फूल बनने से पहले ही वह कली सूख कर गिर जाती है, इसके पीछे का क्या रीज़न है। तो दोस्तों मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि क्या होता क्या है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं दो भिंडियाँ लगी हैं और इसके बाजू में ये जो कली है ये सूख चुकी है और मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए वो गिर गई। और ऐसे ही और भी जगह होती हैं जहाँ पे कलियाँ बड्स जो हैं वह सूख जाती हैं और गिर जाती हैं। बाकी इसके पीछे का बहुत सारे रीज़न तो नहीं होते हैं, सबसे बड़ा इसका जो कारण होता है वह होता है टेम्परेचर फ्लक्चुएसन, मतलब तापमान में अचानक से परिवर्तन हो जाना और परिवर्तन कैसा कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाना। दोस्तों भिंडी जैसे कि आपको पता है कि हाई टेम्परेचर में बहुत अच्छे से होने वाला पौधा है, लेकिन जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है जैसे कि 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, अभी जो मई और जून के समय जो टेम्परेचर चलता है 35 से 45 डिग्री के बीच, इस टेम्परेचर में स्पेशली बड ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम होने लगती है दोस्तों। तो ये जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये देखिए इस तरीके की जो प्रॉब्लम है दोस्तों ये मुझे अभी सामने आई बिल्कुल मई लास्ट में, इससे पहले मुझे इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस करना जो है करने नहीं पड़ी। तो स्पेशली इसका मैंने जो रीज़न जाना वह है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाना। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे जो भिंडी के पौधे हैं वह फुल सनलाइट में रखे हुए हैं टेरेस पर और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, इससे जो है बड गिर रही हैं। तो दोस्तों यदि आपके भिंडी के पौधे की भी बड्स गिर रही हैं तो उसका कारण होता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, तो आप इससे कैसे बच सकते हैं दोस्तों। आपको करना क्या है, आपके जो भी भिंडी के पौधे हैं इन्हें आपको सेमी सेड एरिया में रख देना है जहाँ पर दोपहर की बहुत तेज़ धूप से आपके जो पौधे हैं भिंडी के वह बच पाएँ। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप फिर भिंडी की बड ड्रॉपिंग की समस्या से बच जाएंगे जैसे कि आप देख सकते हैं, और फिर आपको ढेर सारी भिंडी जो है हार्वेस्ट करने को मिलेंगी। तो दोस्तों मैंने अलग अलग स्टेज में भिंडी के पौधे लगा रखे हैं, देखिए आप जैसे कि ये नए पौधे हैं और इनमें अभी फ्लावरिंग होना स्टार्ट होने वाली है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे छोटी छोटी बड्स बन रही हैं, तो 10 से 12 दिन में इनमें फ्लावरिंग होने लगेगी। और कुछ पुराने पौधे हैं मेरे, ये जो मैंने पहले लगाए थे तो अब यह पौधे ओल्ड हो गए हैं और इनमें अभी भी हमें भिंडियाँ हार्वेस्ट करने को भिंडी मिल रही है। तो दोस्तों आप मेन कारण समझ गए होंगे कि जो भिंडी की बड्स है वो क्यों गिरती है। यदि इसके बाद भी आपके और कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं भिंडी को लेकर, साथ में भिंडी को कैसे ग्रो किया जाता है, इसका कंप्लीट वीडियो दोस्तों हमारे चैनल पे अपलोड है, आपके राइट साइड पर आई बटन शो हो रहा होगा, आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। उसमें मैंने भिंडी के बीज को लगाने से लेकर भिंडी को हार्वेस्ट करने तक की पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।